एक छोटे से शहर में रहते हैं पंडित जी, जो न तो पंडिताई करते हैं न किसी पंडित के घर पैदा हुए हैं, लेकिन फिर भी पूरा शहर और अब तो इंटरनेट की बदौलत जाने कहां कहां के लोग उन्हें पंडित जी के नाम से ही जानते हैं। उनका असल नाम तो ब्रजभूषण है। एक सरकारी ऑफिस में जिंदगी भर काम करने के बदले ठीक ठाक पेंशन लेकर रिटायर हुए हैं। घर में सिंपल सी वाइफ है, दो बेटे हैं जो बड़े शहरों में अच्छे जॉब्स पर हैं। अब सवाल ये उठता है कि दुनिया, यहां तक कि उनकी पत्नी भी उन्हें पंडित जी क्यों कहती है। इसके पीछे एक कहानी है, कहानी जो कि पंडित जी मेरे मतलब ब्रजभूषण जी के जीवन में घटी सच्ची घटना भी है। बात उस दौर की है जब हमारे देश में कंप्यूटर रेवोल्यूशन शुरू ही हुआ था। तमाम बड़े सरकारी ऑफिसेज में कंप्यूटर लगाए जा रहे थे और एम्प्लॉइज को उन्हें चलाना सिखाने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही थी। ब्रजभूषण जी हमेशा से पढ़ने और नई चीजें सीखने के बड़े शौकीन थे। उन्होंने न सिर्फ लिटरेचर बल्कि रिलीजियस किताबें भी बड़े इंटरेस्ट से पढ़ी थी। बल्कि उनकी पत्नी के शब्दों में कहें तो रामायण और गीता तो वो घोट कर पी गए थे। अक्सर घर और ऑफिस की महफिलों में बहुत सुंदर शब्दों में रामचरितमानस की चौपाइयां और गीता के श्लोकों की बड़ी सिंपल और इजी एक्सप्लेनेशन देते थे। अब जब कंप्यूटर सीखने की बारी आई तो उन्होंने इसमें भी बड़े इंटरेस्ट के साथ पार्टिसिपेट किया, जबकि उनके साथ के बाकी लोग जाने क्यों बड़े बेमन से कतराते हुए ट्रेनिंग में हिस्सा ले रहे थे। उन्हें ट्रेनिंग देने वाली टीम कहीं बाहर से आई थी। चार जवान लड़के जो शायद अभी अभी पढ़ाई पूरी करके निकले थे इन्हें सिखा रहे थे। इस टीम में एक लड़का था जो बहुत कूल और काम नेचर का था। बड़े पेशेंस से इन लोगों को सिखाता था और कभी भी बेवकूफी भरे सवालों पर गुस्सा नहीं होता था। इस लड़के का नाम संदीप था। ब्रजभूषण जी को संदीप बहुत पसंद था। इधर कुछ दिनों से ब्रजभूषण जी देख रहे थे कि संदीप कुछ शांत सा रहने लगा था। उसके चेहरे पर हमेशा रहने वाली मुस्कान जैसे डिम सी पड़ गई थी। अक्सर कहीं खोया से रहता और एक अजीब सी सैडनेस उसकी आंखों में बनी रहती। अब ब्रजभूषण जी एक्सपीरियंस आदमी थे, जानते थे कि अगर इस एज में डिप्रेशन ने पकड़ लिया तो जिंदगी खराब कर देगा। इसीलिए उन्होंने संदीप से बात करने की सोची और एक दिन उसे डिनर पर घर बुलाया। संदीप आया और खाना खाने के बाद पंडित जी उसे साथ लेकर वॉक पर निकल गए। फिर बातों बातों में उसकी परेशानी का कारण पूछा, जिसे पहले तो वो टालता रहा लेकिन फिर उसने अपनी परेशानी का रीजन बता ही दिया। दरअसल पिछले 5 सालों से संदीप किसी बड़े कंपेटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा था और लगातार मेहनत के बाद भी तीसरी बार उसे फेलियर ही मिली थी, जिसने उसकी हिम्मत पूरी तरीके से तोड़ दी थी। उसे लगने लगा था कि उसकी जिंदगी के 5 साल बस यूं ही वेस्ट हो गए और अब उसका कोई फ्यूचर नहीं होगा। इतनी मेहनत के बाद मिले फेलियर ने उसे चौथे और आखिरी मौके के लिए भी मायूस कर दिया था। वो अब आगे एग्जाम्स की तैयारी नहीं करना चाह रहा था और कहीं ना कहीं अपनी फेलियर के लिए खुद को ही गिल्टी मान रहा था, यानी दोषी ठहरा रहा था कि शायद उसकी मेहनत में ही कहीं कमी रह गई थी। ये सब सुनकर ब्रजभूषण जी ने तुरंत संदीप को श्रीमद् भागवत गीता का यह श्लोक सुनाया, कर्मण्येव अधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भूर्मा ते संगोस्त्व कर्मणि। जानते हो संदीप, इसका मतलब क्या है, मीनिंग क्या है? ये श्लोक भगवत गीता के दूसरे चैप्टर का 47th श्लोक है, जब अर्जुन रणभूमि पर अपने सगे संबंधी, अपने गुरु भाई और दोस्तों को देखकर युद्ध छोड़ देना चाहते हैं, तब भगवान उसे गीता का उपदेश देते हैं। और गीता का ये श्लोक तो संपूर्ण गीता की समरी जैसा ही है। इसका अर्थ अगर समझ लें तो जीवन की सारी परेशानियां दूर हो जाएं। संदीप ने पूछा कि आखिर क्या है इस श्लोक का अर्थ और इसमें ऐसा क्या है जो आप इसे हर परेशानी का सलूशन बता रहे हैं। ब्रजभूषण बोले, इसका अर्थ है कि हे अर्जुन, तेरा अधिकार कर्म करने में है, उसके फल में नहीं। तू कर्म के फल के प्रति आसक्त ना हो या कर्म न करने के प्रति प्रेरित ना हो। सिंपल वर्ड्स में कहें तो हम में से हर कोई कुछ भी करने से पहले उस काम के रिजल्ट के बारे में सोचता है। जैसे बच्चे पढ़ाई शुरू करने से पहले फर्स्ट आने की विश करते हैं, बिजनेसमैन दिन की शुरुआत में ही शाम तक मटेरियल पूरी तरीके से यूज हो जाने की विश करता है, इंजीनियर नक्शा बनाने से पहले ही कोई मास्टरपीस बनाने की ख्वाहिश रखता है, हाउसवाइफ सब्जी काटने से पहले ही सोचती है कि आज का खाना खाकर तो उसका परिवार उसकी तारीफ करेगा,
हर कोई अपने हर काम से अच्छे फल की उम्मीद करता है, जबकि हमारे हाथ में सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना है। उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, कैसा मिलेगा, कैसे मिलेगा, इस पर ना तो हमारा कोई कंट्रोल है और ना ही राइट। ये सुनकर संदीप बोला, अगर हम रिजल्ट की इच्छा ही नहीं रखेंगे तो उस काम के लिए मोटिवेशन क्या रह जाएगा? ऐसे तो हम कोई भी काम बस टाइम पास के लिए ही करेंगे, नहीं? ब्रजभूषण जी बोले, नहीं, इसका ये मतलब नहीं कि हम अपने काम में इंटरेस्ट ना लें या अपने एफर्ट्स में कमी करें। इसका मतलब ये है कि हम ये समझ लें कि हमारे कंट्रोल में सिर्फ हमारा काम है। उदाहरण के लिए, एक बच्चे का काम पूरे साल भर अच्छे से पढ़ाई करना है, लेकिन परीक्षा का रिजल्ट और भी कई बातों पर डिपेंड करता है, जैसे कई बार कॉपी चेक करने वाले के मूड पर भी। ऐसे में यदि नंबर उस बच्चे की एक्सपेक्टेशन से कम आ जाते हैं तो उसे ना तो अपनी एबिलिटी पर शक करना है, ना ही आगे मेहनत करने में कोताही करनी है। हमें हर हाल में अपना बेस्ट देना है, उसके बाद क्या होता है ये ईश्वर पर छोड़ देना है। किसान जब खेत में बीज बोता है, रात रात जागकर फसल को पानी देता है, तब वो अपना काम कर रहा है। लेकिन अगर सूखा पड़ जाए या उसकी फसल को कोई बीमारी लग जाए, तब किसान को अपने आप को इसकी वजह नहीं समझना चाहिए, क्योंकि ये बात उसके कंट्रोल में नहीं थी। जीवन में बहुत कुछ ऐसा है जिस पर हमारा कोई वश नहीं है, लेकिन खुद पर और अपने कर्म पर हमारा पूरा वश है, इसीलिए उसमें कमी नहीं रहनी चाहिए। जब हम इस बात को समझ लेंगे तो जीवन की छोटी बड़ी बातों में हौसला नहीं हारेंगे, खुद पर विश्वास रखेंगे और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने के लिए तैयार रहेंगे। ब्रजभूषण जी की बातों ने संदीप पर जादू जैसा असर किया। उसने मन ही मन एक बार फिर पूरा जोर लगाकर परीक्षा की तैयारी करने का फैसला कर लिया था। कुछ दिन बाद जब ब्रजभूषण जी के ऑफिस में कंप्यूटर ट्रेनिंग पूरी हुई और सिखाने वाली टीम को विदा किया जा रहा था, तब संदीप ने सबको इकट्ठा किया और कहा, हम सबको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए तैयार रहना चाहिए। टीचर कहीं भी किसी भी रूप में मिल सकते हैं, और हो सकता है कोई ऐसा टीचर मिल जाए जो लाइफ के लिए आपका एटीट्यूड ही बदल दे। मुझे भी यहां एक गुरु मिले जिन्हें जीवन का बहुत एक्सपीरियंस है और इस अनुभव को बांटना भी आता है। ये गुरु हैं ब्रजभूषण जी, जिन्हें मैं आज से पंडित जी कहकर पुकारूंगा, क्योंकि पंडित का अर्थ होता है ज्ञानी, ज्ञान देने वाला। साथ ही गुरु दक्षिणा में मैंने उनके लिए एक ब्लॉग तैयार किया है जिसका नाम रखा है गीता ज्ञान। इस ब्लॉग से पंडित जी गीता के जरिए लोगों को उनकी परेशानियों में राह दिखा सकते हैं, उन्हें उम्मीद देकर नए ढंग से जीना सिखा सकते हैं। इस तरह उस दिन से ब्रजभूषण जी का नाम पंडित जी पड़ गया और उनका गीता ज्ञान ब्लॉग एक जरिया बन गया जहां लोग अपनी परेशानियां पंडित जी को लिखकर गीता के जरिए उनका सोल्यूशन पा सकते थे। और ये गीता ज्ञान आप सुन रहे हैं कुकू FM पर।